नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं, रूबिका लियाकत। दंगे ने इस देश को जब जब जलाया है, किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी को फायदा ही पहुंचाया है। जनता उस आग में जलती है तो पार्टियां उस आग में वोट की रोटी सेकती है। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आप जानते हैं क्या हुआ था। दिल्ली सहित देश भर में जो दंगे हुए उसमें पहली राजनीतिक सजा 34 साल बाद आई है। आज वो सजा मिल गई, लेकिन उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के 11 घंटे बाद भी सज्जन कुमार पूरी इज्जत से कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं। सवाल है कि कांग्रेस ने पार्टी से निकालने की घोषणा अब तक सज्जन कुमार को लेकर क्यों नहीं की है। इस सवाल के साथ ही मास्टर स्ट्रोक की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इस खबर की 5 हेडलाइंस आपको देख लेनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को सिखों के कत्लेआम का दोषी ठहराते हुए यह कहा कि राजनीतिक संरक्षण दिया गया। जितने दिन जिंदा रहेंगे सज्जन कुमार जेल में रहेंगे उम्र कैद। 31 दिसंबर तक उनको सरेंडर करना होगा। आज सुबह 10:30 बजे दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्र कैद का फैसला सुनाया, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें अब तक पार्टी से निकाला नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, भागमल गिरधारी लाल और बलवान खोखर की उम्र कैद बरकरार है। महेंद्र यादव किशन खोखर की सजा को 3 साल से बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया गया है। सज्जन कुमार की सजा के बाद मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ पर भी सवाल, आरोप है कि वो भी दंगे में शामिल थे। सज्जन कुमार को सजा हुई और कमलनाथ ने कांटों के साए में फूलों का ताज पहना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो बने, लेकिन सिख विरोधी हिंसा के भूत ने, जिन ने आज उन्हें बहुत परेशान किया। शपथ से पहले सिख समुदाय सड़क पर आ गया, कमलनाथ की ताजपोशी का विरोध शुरू हो गया। बीजेपी ने सुबह में इस मुद्दे को आगे ले जाने की प्लानिंग की। थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने लेकिन ट्वीट करके कमलनाथ को शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के शपथ समारोह की शुरुआत इस तरह हुई। मैं कमलनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दोपहर 1:30 बजे जिस वक्त कमलनाथ ने कमान संभाली, उससे 2.5 घंटे पहले दिल्ली हाईकोर्ट सिख दंगों में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुना चुका था और उस आग में कमलनाथ भी झुलसने लगे थे। अरसे से कमलनाथ पर दिल्ली के 1984 दंगे के वक्त रकाबगंज में भीड़ को भड़काने का आरोप लगता रहा है, और यही वजह है कि कमलनाथ को सीएम बनाया गया तो सिख समुदाय का गुस्सा भड़क उठा। कांग्रेस ने सिखों के जख्मों पर नमक छिड़कने का कार्य किया है, ऐसे ही उन्होंने 84 में जिस प्रकार का कत्लेआम कांग्रेस ने कराया था, और आज उन्होंने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना के इस बात को साबित कर दिया है कि कांग्रेस सिख विरोधी है। दिलचस्प ये रहा कि भोपाल के शपथ समारोह में कमलनाथ ने शिवराज का हाथ थामकर चुनावी राजनीति को खत्म करने का संदेश दिया, तो दिल्ली में बीजेपी नेताओं की अगुवाई में न सिर्फ प्रदर्शन हुए बल्कि अरुण जेटली जैसे दिग्गज नेताओं ने कमलनाथ को दोषी बताते हुए राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया। और ये विडंबना है कि ये आया उस दिन है जिस दिन सिख समाज एक दूसरे नेता जिसको दोषी मानता है, कांग्रेस पार्टी आज भी उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा रही है। Is being sworn in as chief minister, the other accused is being given life sentence by the courts. Today I demand answers from Rahul Gandhi, who said just a few months ago that Congress had no hand, congressmen had no hand in the genocide. BJP ke aaropon par Congress ne bhi palatwar kiya. Aaj jo shishast sthan pe baithe hain Delhi mein, number 1, number 2, number 3, unka sambandh सीधा गुजरात में जो दंगे हुए, फसाद हुए, मृत्यु हुई, उनसे कितना है? जब इस प्रकार की बातें करते हैं, मापदंड दोहरे अपनाते हैं, तो आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि सच्चाई क्या है।
सिख समुदाय कमलनाथ से नाराज रहता है और उनके जरिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करता रहा है। 2016 में उन्हें जब पंजाब चुनाव का प्रभारी बनाया गया तो काफी विरोध हुआ था और उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। उस वक्त कांग्रेस की निगाह पंजाब चुनाव पर थी और अब 2019 में बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी, ये तो तय है। तो दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे के बाहर 1 नवंबर 1984 को क्या हुआ था, वहां जो कुछ भी हुआ कमलनाथ पर उसी के आरोप लग रहे हैं। कमलनाथ पर आरोप तो लगे लेकिन आज तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और कांग्रेस बार बार यही बात कह रही है। ऐसी कई तस्वीरें कमलनाथ की इंदिरा गांधी के परिवार से नजदीकी की गवाही देती हैं और यही कारण है कि वो 1984 में दंगे भड़काने के आरोपी बन गए। हालांकि कमलनाथ हमेशा इससे इनकार करते रहे लेकिन सिख समुदाय उन्हें दोषी मानता रहा। वो कमलनाथ जो है हमारा सिखों का हत्यारा है, उसने हजारों मर्डर कराए हैं, गुरु ग्रंथ साहब जलाया है और आज राहुल गांधी जो है उसको मुख्यमंत्री बना रहा है। राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। सवाल पब्लिक परसेप्शन का नहीं, सच का है और कानूनी सच ये है कि 1984 दंगे में कमलनाथ पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। नानावटी कमीशन ने कमलनाथ को क्लीन चिट दी। कमलनाथ खुद भी कहते हैं कि हिंसा के बाद वो रकाबगंज गुरुद्वारा लोगों को समझाने गए थे, जहां पुलिस अधिकारियों ने उन्हें फोर्स आने तक लोगों को बातों में उलझाए रखने को कहा था। करीब 1 घंटे बाद वो वहां से चले गए लेकिन घटना स्थल पर मौजूद पत्रकार संजय सूरी ने अपनी किताब में लिखा है कि जब मैं रकाबगंज गुरुद्वारा गया तो वहां उत्तेजित भीड़ थी। 2 सिखों को पहले ही जीवित जलाया जा चुका था। मैंने सड़क पर देखा तो लोग बार बार नारे लगा रहे थे। भीड़ के साथ कमलनाथ भी थे। भीड़ आगे बढ़ी और उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया तो भीड़ रुक गई। आप इसे 2 तरीके से देख सकते हैं, उन्होंने भीड़ को रोका लेकिन मेरा सवाल है कि उनमें और भीड़ में ऐसा क्या संबंध था कि उन्होंने सिर्फ अपना हाथ ऊपर उठाया और भीड़ रुक गई। There were a lot of people and senior people in the Congress party who made their displeasure evident in ways that amounted to threats, and not just threats. I was attacked by Congress people out on the streets when I was covering these events. कई और किताबों में कमलनाथ के हिंसा में शामिल होने का जिक्र है। मनोज मिता ने When a Tree Shook Delhi में लिखा है, संसद भवन की सड़क के दूसरी तरफ होने के बावजूद भी रकाबगंज गुरुद्वारे को भीड़ ने लंबे समय तक घेर कर रखा था। उसकी 4 दीवारी को नुकसान पहुंचाया गया और 2 सिखों को जिंदा जला दिया गया। रकाबगंज पर हमला इस मायने में भी असाधारण है क्योंकि ये शायद पहली बार था और बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के इतिहास में शायद इकलौता ऐसा वाक्या था जिसमें एक राजनेता ने घटनास्थल पर मौजूद होने की बात कबूल की थी। और विडंबना ये है कि इस तरह की घटना भारतीय संसद के पास के इलाके में हुई। हालांकि 1984 के दंगों की जांच कर रहे नानावटी कमीशन ने कमलनाथ को क्लीन चिट दे दी, जिसका जिक्र कांग्रेस नेता करते हैं लेकिन सच ये है कि कमीशन ने कहा था कि सबूतों के अभाव में कमलनाथ की कोई भूमिका नहीं दिखती। भारत के एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य के संवैधानिक हेड के रूप में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना, वह व्यक्ति जो सिखों के दंगों में संलिप्त रहा, जिनके कारण से सिखों की जिंदगी गई, रकाबगंज गुरुद्वारा का पूरा वो प्रकरण नानावटी कमीशन में कमलनाथ जी के नाम के साथ दर्ज है। कमलनाथ पर कोई भी मेहरबानी सिखों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है और यही दर्द है कि जब आज कमलनाथ मध्य प्रदेश के सीएम बने तो सिख सड़क पर उतर आए। बात सीधी सी ये है कि कमलनाथ पर कोई भी केस नहीं है। जब केस ही नहीं तो अदालत के फेर से भी दूर है कमलनाथ और जनता की अदालत यानी चुनाव में भी वो पास हो गए हैं। मास्टर स्ट्रोक ये है कि सिखों को इंसाफ राजनीतिक शोर से नहीं कानून के जोर से मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल की बेंच ने यह फैसला सुनाया। दोनों जज ने कहा कि 1947 की गर्मियों में विभाजन के दौरान
देश ने भयावह नरसंहार देखा जब सिख, मुसलमान और हिंदुओं के साथ साथ कई लाख नागरिकों की हत्या कर दी गई। 37 साल बाद देश ने फिर से एक बड़ी त्रासदी, मानव त्रासदी को देखा। यह कहते हुए दोनों जज की बेंच ने सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुना दी। उस दौरान मैंने अपने फादर को देखा, मेरे फादर को इन्होंने कैसे जिंदा जलाया, फादर को लेके और आगे इन्होंने मौत को दे दी, और कैसे मेरे फादर को बेरहमी से, मेरे फादर साहब ने 3 बार बचने की कोशिश की और इन्होंने कैसे मारा, मैं वो टाइम कभी नहीं भूल सकता। निरप्रीत कौर तब 16 साल की थी जब उनके पिता को जिंदा जला दिया गया। दिल्ली के जिस राजनगर में उनका घर था, वहाँ 250 से 300 सिख परिवार रहा करते थे। जब उन पर हमले शुरू हुए तो सभी लोग निरप्रीत के घर पर इकट्ठा हो गए। तब दंगाइयों की भीड़ ने नरप्रीत के पिता को निशाना बनाया। पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ निरप्रीत प्रमुख गवाहों में से थी। वो लगातार डटी रही और इसी वजह से सज्जन कुमार को 34 साल बाद उम्र कैद की सजा हुई। देर आए दुरुस्त आए, बहुत ये जीत है, बड़ी जीत है आज देश की, के कानून की बहुत बड़ी जीत है। सज्जन कुमार को जिस मामले में सजा हुई है वो दिल्ली के राजनगर का ही था। वहाँ 5 सिखों की हत्या हुई थी। पीड़ित परिवारों की शिकायत और नानावटी आयोग की सिफारिश के बाद सीबीआई ने 2005 में सज्जन कुमार समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। 2010 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, लेकिन 30 अप्रैल 2013 को सज्जन कुमार ट्रायल कोर्ट से बरी हो गए। वही फैसला पलटते हुए आज हाईकोर्ट ने कहा कि एक असाधारण केस था जहां सामान्य तरीके से आरोपी नंबर 1 के खिलाफ आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था, क्योंकि बड़े स्तर पर उसके खिलाफ मामले को दबाने की कोशिश की गई। जो केस रजिस्टर हुए उसमें भी सही जांच नहीं हुई। ये लगातार कोर्ट ने ये भी कहा कि उसको पॉलिटिकल पैकेज मिलती रही। आज राहुल गांधी को, कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। बड़ा राहत का दिन है और आज की रात सज्जन कुमार जेल में काटेंगे। हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की और कहा कि 1 नवंबर से 4 नवंबर 1984 के बीच देश और दिल्ली के दूसरे हिस्सों में सिखों की जो सामूहिक हत्या हुई उसे कानूनी एजेंसियों की मदद से नेताओं ने अंजाम दिया। ये मानवता के खिलाफ अपराध था। इस मामले में अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिया गया जिससे वो जांच और सजा से बचने में सफल रहे। ऐसे अपराधियों को सजा देना हमारी न्यायिक व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ना तो मानवता के खिलाफ अपराध और ना नरसंहार हमारे घरेलू कानून का हिस्सा है। इस कमी को जल्द से जल्द दूर करने की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़ितों को यह एहसास कराना जरूरी है कि जीत सत्य की होती है। हमारे को खुशी है जो अब जो इसको हुई है ना सजा, हम तो कहें फांसी दे, इसको फांसी दे तो हमारा दिल ठंडा होएगा। जैसे हमारे तड़प तड़प के मरे ऐसे ये भी मरे। एक बात है, सज्जन कुमार को फांसी हुई, वो सजा हुई है तो हमें बहुत खुशी हुई है, क्योंकि 1984 के सरदारों को जिन्होंने कत्ल कराया है तो उनके बच्चे बड़े खुश हैं। सज्जन कुमार को ना फांसी दो, मेरे पापा को बहुत वालों से पकड़ के मारा था, हमें मैं याद है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर लिखा है कि 84 दंगे के दोषियों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, यानी उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी, और दिल्ली हाई कोर्ट की ये टिप्पणी सीधे सीधे कांग्रेस की सियासी कब्र भी खोद सकती है। तो सज्जन कुमार सहित 4 दोषियों को जब उम्र कैद की सजा सुनाई गई तो कई सारी सच्चाइयां सामने आई। जैसे फैसले के बाद पता चला कि किस तरह गवाहों को खरीदने की कोशिश की गई थी, और जब वो संभव नहीं हुआ तो धमकी भी दी गई जिससे वो अपने कदम पीछे खींच ले। जब मैं अगवाई देने आई हूँ उदू 8 करोड़ रुपये से खरीदे, पहले 2 करोड़ पंचकुले प्लाट देंदे, फिर 8 करोड़ जिथे आखो तुम बहरले मुल्क सैट करा देने। मैं की करने पैसे, मैं तो बर्बाद हुई हूँ, पैसे मेरे किस काम थे। तो मैं तो जो अपराधी है, जो दोष किया दोषी को नंगा करूंगी। ये जो नकाब पहन के बैठे हुए है ना काला, इनके मत्थे पे काल है, कभी उतरने वाली नहीं है। जगदीश कौर ने 1984 में अपने बेटे गुरप्रीत सिंह को खोया था।
गुरप्रीत उन पांच लोगों में से एक था जिनकी हत्या के मामले में आज सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जगदीश कौर ने अपनी गवाही में कहा था कि उन्होंने खुद सज्जन कुमार को भड़काऊ भाषण देते सुना। उनके मुताबिक सज्जन कुमार ने मंगोलपुरी पुलिस पोस्ट के पास सुबह के वक्त एक भाषण देते हुए कहा था कि एक भी सिख नहीं बचना चाहिए। हालांकि जगदीश कौर ने नानावटी आयोग और रंगनाथ कमीशन में दिए अपने हलफनामे में सज्जन कुमार का नाम नहीं लिया। इसी को आधार बनाकर ट्रायल कोर्ट ने सज्जन कुमार को 2013 में बरी कर दिया था, लेकिन जगदीश कौर ने अपनी लड़ाई जारी रखी। इसका अपराध बहुत बड़ा है, इसको सजाए मौत देनी चाहिए, ऐसी मौत देनी चाहिए जैसे हमारे बच्चों को दी थी, चिराए पे आग लगाई थी, इनको भी चिराए पे आग लगानी चाहिए, तब संतुष्ट होगी। 70 के दशक में राजनीति में सक्रिय सज्जन कुमार का शुरू से ही कांग्रेस में बड़ा कद रहा। यही कारण है कि 1984 की घटना के बाद भी दो बार कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया और वो सांसद बने, 2009 तक सांसद रहे। आज जो ये निर्णय आया है कि 1984 के दंगों का इससे बड़ा कोई संकेत नहीं हो सकता, जो कि सिंबल नहीं हो सकता, जो सज्जन कुमार जी थे। कांग्रेस पार्टी ने लीगल प्रोसेस को थ्रॉटल किया, इंक्वायरीज को थ्रॉटल किया, उसको नहीं चलने दिया, वन आफ्टर अनदर इंक्वायरीज बैठाते रहे, प्रोसेस को पूरा नहीं होने दिया। कांग्रेस की साजिश थी। आज लीगल प्रोसेस पूरा हो रहा है, यह एनडीए गवर्नमेंट के, जिसको कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी किया जा रहा है। क्रेडिट लेने की होड़ भी है। सिख नरसंहार पर कोर्ट के जजमेंट में पेज नंबर 194 के पैरा 367.6 में ये साफ कहा गया है कि दोषी अब तक इसलिए बच गया क्योंकि उसे राजनीतिक संरक्षण हासिल था। इसको अगर मैं आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो सज्जन कुमार 34 साल तक इसलिए बचे रहे क्योंकि उनके साथ कांग्रेस का हाथ था, और सजा होने के बावजूद कांग्रेस ने सज्जन कुमार पर अभी तक, जब मैं ये खबर आपको पढ़कर सुना रही हूं, तब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। ये मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस पार्टी के लिए है। कोर्ट ने फैसला ले लिया, राहुल गांधी कब लेंगे? ये बात सही है कि 1984 के सिख विरोधी हिंसा के वक्त राहुल गांधी खुद बच्चे थे, लेकिन अब वो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, इसलिए वो ना सवालों से बच सकते हैं और ना ही जिम्मेदारी से। कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन 1984 के दाग से पीछा छुड़ाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है क्योंकि खुद राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं के ऐसे बयान पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं जो 1984 हिंसा से कांग्रेस कनेक्शन के सबूत बताते हैं। लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। जब जब दिल्ली दंगे की बात होगी, राजीव गांधी का ये बयान बार बार गूंजेगा। आज जब सज्जन कुमार को सजा हुई तो एक बार फिर दंगे में कांग्रेस के बड़े नेताओं की भूमिका पर सवाल उठे। एचकेएल भगत, जगदीश टाइटलर और धर्मदास शास्त्री जैसे कांग्रेसी नेताओं का नाम भी इस हिंसा से जोड़ा गया। एचकेएल भगत इस आरोप में जेल भी गए थे। खुद राहुल गांधी ने 2014 में एक इंटरव्यू में कहा था कि 1984 के सिख विरोधी हिंसा में संभवतः कुछ कांग्रेस के लोग शामिल थे, लेकिन वही राहुल गांधी हाल ही में ब्रिटेन यात्रा के दौरान एक इंटरव्यू में 84 के सवाल पर पलट गए। तब उन्होंने कहा, मेरे मन में उसके बारे में कोई भ्रम नहीं है, यह एक त्रासदी थी, यह एक दुखद अनुभव था। आप कहते हैं कि उसमें कांग्रेस पार्टी शामिल थी, मैं इससे सहमति नहीं रखता। राहुल के इस बयान का काफी विरोध हुआ। उन्हें याद दिलाया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी 84 की हिंसा के लिए देश से माफी मांग चुके हैं। I have on behalf of the government of India apologized on behalf of the nation for what happened in 1984. इसके बाद राहुल ने एक बार फिर अपना बयान पलटा और कहा कि हिंसा में शामिल लोगों को सजा मिलनी चाहिए। When Mr. Manmohan Singh spoke, he spoke for all of us. And
As I said earlier, I'm a victim of violence and I understand what it feels like. So I am against any sort of violence against anybody. Even anybody on this planet. So I condemn that 100% and I am 100% for punishment of people who are involved in any violence against anybody. 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली समेत कई शहरों में सिख विरोधी हिंसा शुरू हो गई थी। इस हिंसा में आधिकारिक तौर पर 2733 लोग मारे गए थे, जबकि वैसे इसका आंकड़ा और ज्यादा बताया जाता है। आपकी जानकारी में एक बात लाना चाहती हूँ। हमारी लोकसभा में 543 में से 184 सांसदों पर आपराधिक मामले अभी दर्ज हैं। देश के लगभग 34% MPs पर क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। इस लिहाज से इसका मतलब समझते हैं, मतलब यह है कि अपराध को राजनीति में ना तो पार्टियां सीरियसली लेती हैं और ना ही हम और आप यानी वोटर्स। देश में जितने भी दंगे हुए हैं, गौर से आज आकलन कीजिए, आप समझेंगे, मास्टर स्ट्रोक के तौर पर समझेंगे कि ये दंगे समाज को बांटते हैं लेकिन वोट बैंक जो है ना उसे साधते हैं। लग रहा था कि इंसाफ पाने की लड़ाई अंतहीन है, लेकिन आज फैसला आया। हालांकि ये फैसला उस दुख और दर्द के आगे कुछ भी नहीं जो लोगों ने झेला है और आंखों और आत्मा से उसे महसूस किया है। फांसी, क्या फांसी देंगे? हमारे बच्चे चले गए, तीन तीन चार चार बच्चे चले गए। अब मरेगा सज्जन कुमार तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अन्य बच्चे बच जाते हमारे तो फिर फांसी भी आनी चाहिए। हमारे बच्चे चले गए, तीन तीन चले गए मेरे जवान। ऐसे व्यक्ति को तो फांसी देनी चाहिए, उम्र कैद हुई है। लेकिन ठीक है, हम आशा करते हैं कि 34 साल बाद हमें इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद जगी है। काटो उसको, मारो, जान खत्म करो। हम कहें भाई साहब ना मारो, भाई साहब बोलो, खत्म बोलो, हम तुम्हारे आदमी हैं। ऐसा जुलम कौन देखे? आदमी हो तो वो बराबरी करे, आदमी मार के फिर हमारे को औरतें बढ़ाने लगे। जो अब जो इसको हुई है ना सजा, हम तो कहें फांसी दे इसको, फांसी दे तो हमारा दिल ठंडा होएगा। जैसे हमारे तड़प तड़प के मरे ऐसे ये भी मरे। क्योंकि 1984 के सरदारों को जिन्होंने कत्ल कराया है तो उनके बच्चे बड़े खुश हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनको उम्र कैद होनी चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। जिन्होंने किया है सज्जन कुमार को ना फांसी दो। मेरे पापा को बहुत वालों से पकड़ के मारा था, हमें मैंने याद है, मेरे पापा वाल जी ने भेड़ गोटे ने वालों से पकड़ के मारा था, सीढ़ियां से खींच के। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। ये लाइन राजनीतिक मंच से तब तब बोली जाती है जब वोटों के लिए इसकी जरूरत होती है, ज्यादातर इसे बांटा ही जाता है। और राजनीतिक मंच पर यह तस्वीर तब तब दिखती है जब चुनाव की जंग के गंभीर होने की आहट होती है। तीन राज्यों की आज सरकार बनी और 2019 की लड़ाई शुरू हो गई। ऐसे में यह तस्वीर आज भोपाल के शपथ मंच पर दिखनी लाजमी थी। पहले शंख ध्वनि की गूंज, फिर मंच पर मंत्रोच्चार, फिर दुआएं पढ़ी गई। उसके बाद अरदास भी हुई। फिर बौद्ध धर्म गुरु की आराधना, यानी कमलनाथ के मंच पर सर्वधर्म, और फिर शपथ। मैं कमलनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भोपाल का जम्बूरी मैदान अब तक बीजेपी के भव्य कार्यक्रमों के लिए जाना जाता था, लेकिन आज कमलनाथ ने इसकी दूसरी तस्वीर दिखाई।
मंच पर बैठे धर्म गुरुओं को देखिए आप। सबसे पहले शिवराज सरकार में शामिल रहे कंप्यूटर बाबा, फिर गेरुए वस्त्र में सनातन धर्म गुरु, फिर मुस्लिम धर्म गुरु, उनके बगल में सिख धर्म के ज्ञानी, फिर सनातन धर्माचार्य, फिर बौद्ध धर्म गुरु, उनके बगल में दो मुस्लिम धर्म गुरु, और फिर हिंदू धर्माचार्य। सर्वधर्म संभाव की ये झांकी 2019 तक जाती है। इन धर्माचार्यों के मंच पर मौजूदगी कई सीटों पर कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व को आगे बढ़ाती है। एमपी में SC/ST एक्ट को लेकर सवर्ण बीजेपी से नाराज है। ऐसे में इन हिंदू धर्माचार्यों को मंच पर लाकर कांग्रेस इस वोट बैंक को अपने पास बनाए रखना चाहती है। मध्य प्रदेश में 7% मुसलमान है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में ही करीब 14%। ऐसे में 2019 के लिए कमलनाथ इस मंच से एक तीर से कई निशाने साध रहे थे। मध्य प्रदेश में 2,16,052 बौद्ध हैं, जो राज्य की कुल जनसंख्या के 0.30% है, लेकिन 2019 में बड़ा असर डाल सकते हैं। शपथ मंच पर सिख गुरुओं की मौजूदगी सबसे खास थी। कमलनाथ जब शपथ ले रहे थे उस वक्त दिल्ली में उनके पोस्टर जलाए जा रहे थे। उन पर सिख विरोधी दंगे में शामिल होने के आरोप लग रहे थे। उन आरोपों का जवाब कमलनाथ के मंच पर था। कुल मिलाकर कमलनाथ ने ये बताने की कोशिश की है कि बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे का विकल्प भी कांग्रेस ही है, किसानों के पालनहार भी वही है और विकास का एजेंडा भी उनका ही होगा। मास्टर स्ट्रोक की अगली खबर विपक्ष के महागठबंधन की है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के शपथ के दौरान या वहां पर शपथ के दौरान कांग्रेस और विपक्ष ने देश को एक तस्वीर दिखानी चाहिए। 2019 के महागठबंधन की वो तस्वीर। कांग्रेस एक ही हवाई जहाज में विपक्ष के बड़े चेहरों को बिठाकर तीनों राज्यों में ले भी गई, लेकिन विपक्ष का ये फोटो फ्रेम तैयार नहीं हो पाया। सबसे पहले इस खबर की 5 हेडलाइंस आपको देखनी चाहिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस को सरकार में सहयोग कर रही BSP और समाजवादी पार्टी शपथ समारोह में शामिल नहीं हुई। ममता बनर्जी शपथ समारोह में नहीं आई, लेकिन उन्होंने अपने पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव दिनेश त्रिवेदी को जरूर भेजा। दिल्ली के CM केजरीवाल किसी समारोह में शामिल नहीं हुए। संजय सिंह सिर्फ राजस्थान गए। सज्जन कुमार पर फैसला आते ही वो वापस भी लौट आए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि सिख दंगों में कमलनाथ पर आरोप है, कांग्रेस उन्हें CM ना बनाए। सूत्रों के मुताबिक राहुल के समर्थन में स्टालिन के बयान से राजनीति थोड़ी बदली। माया, अखिलेश, ममता को राहुल स्वीकार नहीं। एक तस्वीर इसी साल 24 मई की और दूसरी तस्वीर आज की। पहली तस्वीर में सोनिया और मायावती एक दूसरे से दोस्ती में सिर लड़ा रही हैं। दूसरी में न सोनिया है न मायावती और अखिलेश भी नदारद है। इसका मतलब क्या? राहुल है तो विरोध है? कमलनाथ, वसंत साठे और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सुभाष टंडन तीनों गुरुद्वारा रकाबगंज साहब के बाहर खड़े होकर गोलियां चलवा रहे थे और 2 लोगों को जिंदा जला दिया। राहुल गांधी जी, पहली बात तो आपको कमलनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन अब कम से कम जब सज्जन कुमार कन्विक्ट कर दिए गए हैं, इन्हें पार्टी से आपने अभी तक बाहर नहीं निकाला है। कांग्रेस चाहती थी कि वो देश को बुलंद गठबंधन की तस्वीर एक बार फिर दिखाए, लेकिन 4 बड़े चेहरे ही दूरी बना गए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में शपथ के दौरान कांग्रेस 2019 के लिए जो ताकत दिखाना चाहती थी वो कमजोर और गिरती पड़ती हालत में दिखी। न ममता बनर्जी आई, न अखिलेश यादव दिखे, न मायावती पहुंची और ना ही अरविंद केजरीवाल गए। यानी कुल मिलाकर 129 लोकसभा सीटों का झटका। यानी मंच पर जो नेता दिखे उनसे 2019 के लिए गठबंधन तो बन सकता है, लेकिन महागठबंधन बनता नहीं दिख रहा। TDP के चंद्रबाबू नायडू,
कांग्रेस के कर्नाटक के दिग्गज नेता सिद्धरमैया, जेडीएस के देवेगौड़ा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में दिखे। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी के शरद पवार, लोकतांत्रिक जनता दल के शरद यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, एआईएडीएमके नेता एमके स्टालिन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन एक साथ दिखे। कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचे। 24 मई को कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार के शपथ ग्रहण के बाद ये दूसरा मौका था जब विपक्षी नेता एक मंच पर आए, लेकिन सोनिया गांधी के साथ कर्नाटक के मंच पर जिस गठबंधन ने आकार लिया वो तीन राज्यों में राहुल गांधी के साथ बिखरता दिखा। ममता बनर्जी ने कहा कि वो पारिवारिक मजबूरियों के चलते शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो पाएंगी, लेकिन उनकी तरफ से उनके प्रतिनिधि वहां पर मौजूद होंगे। मायावती और अखिलेश की तरफ से कोई वाजिब कारण नहीं बताया गया। ऐसे में संकेत साफ है कि विपक्षी एकता का जो ये ताना बाना बुने जाने की बातें आ रही थी उससे पहले ये तो बिखरता दिख रहा है। बीजेपी की एक विचारधारा है, हम उस विचारधारा के खिलाफ लड़ेंगे, उनको हम हराएंगे। हमने आज हराया है और 2019 में भी हम हराएंगे। जीत के बाद ये राहुल का कॉन्फिडेंस था और उसे और बढ़ाया डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन के बयान ने। आई प्रपोज द कैंडिडेचर ऑफ राहुल गांधी फ्रॉम तमिलनाडु। माना जा रहा है कि स्टालिन के बयान ने राजनीति बदलनी शुरू कर दी। राहुल के नाम पर महागठबंधन के चाल, चेहरा, चरित्र में दरार आने लगी। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद ही ममता, माया और अखिलेश ने शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाई। माया अखिलेश को पता है कि यूपी के बगैर कोई गठबंधन नहीं बन सकता। दोनों का अनुमान है कि 2019 में यूपी की 80 में से करीब 50 सीटें उनके पास आएंगी। अगर 50 सीटें मिली तो दोनों अपने पसंद का पीएम चाहेंगे। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट है जिस पर ममता की नजर है। अगर वहाँ 25 से ज्यादा सीटें आई तो पीएम की पसंद में ममता का भी हक होगा। दरअसल महागठबंधन की इस खिचड़ी में कई रसोइये हैं जो इसका स्वाद बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि विपक्ष अब तक राहुल गांधी के नाम पर एक मत नहीं हो पाया है। तीन राज्यों में जीत से कांग्रेस को ताकत जरूर मिली है, लेकिन राहुल की ताकत अभी साबित होना बाकी है। देखिए, राजनीति तो यही कहती है कि बिना स्वार्थ के कोई किसी से जुड़ता नहीं है, और नीति ये कहती है कि जहां स्वार्थ होगा वहां दोस्ती संभव नहीं है। लेकिन देश की राजनीति इस मस्ट स्ट्रोक को बरसों से परख रही है। जनहित से बनेगा गठबंधन, लेकिन दलहित से सिर्फ और सिर्फ ठगबंधन। मस्ट स्ट्रोक में अगली खबर रफाल पर चल रहे विवाद की है। देखिए, कांग्रेस रफाल के मुद्दे को मरने नहीं देगी और खबरें तो 2019 तक रफाल की रहेंगी ही रहेंगी। रफाल पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पैरा 25 को लेकर कांग्रेस ने हंगामा खड़ा कर दिया है। उसे बीजेपी भी भड़काए रखना चाहती है। सबसे पहले इस खबर की 5 हेडलाइंस आपको देखनी चाहिए। रफाल पर बीजेपी ने आज देश भर में 70 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 70 शहरों में मंत्री और नेता साध रहे हैं कांग्रेस पर सीधा निशाना। रक्षा मंत्री ने कहा सरकार ने कैग को सीएजी को विमान की कीमत बता दी, सीएजी से पीएसी को देगी, फिर खास हिस्सा सार्वजनिक किया जाएगा। सीएजी ने रक्षा मंत्रालय को 2 हफ्ते पहले रफाल सौदे पर रिपोर्ट का ड्राफ्ट भेजा है। 4 हफ्ते में रक्षा मंत्रालय जवाब देगा। कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। राज्यसभा में नोटिस को खारिज भी कर दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि इतिहास में पहली बार केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गलत शपथ पत्र देकर गुमराह किया है। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है, देश का चौकीदार चोर है। कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री के ऊपर जो दाग लगाने की कोशिश की उसके लिए कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। ये पूरा बवाल दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैरा 25 का है। आदेश के पेज नंबर 21 में 25वें पैरा की 6 लाइन में लिखा है, कीमतों का ब्यौरा सीएजी के साथ साझा किया गया है।
और सीएजी की रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पीएसी ने देख ली है। संसद के पटल पर सिर्फ संपादित हिस्सा ही रखा गया है जो पब्लिक डोमेन में भी उपलब्ध है। सरकार ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी कि इन लाइनों को ठीक किया जाए, जिसे कांग्रेसी नेता और वकील कपिल सिब्बल ने दूसरा ही मोड़ दे दिया। अब तो आप सुप्रीम कोर्ट को जो सरकार ने जो एप्लीकेशन डाला है उसमें लगता है कि कह रहे हैं कि आपने हमारे जो हमने बुलेट पॉइंट्स दिए थे आपने उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है और ये अब सारा बर्डन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाल रहे हैं। संसद में भी कांग्रेस ने हंगामा किया, गुलाम नबी आजाद ने भी हल्ला बोला। झूठे एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट को दे दे और हम उस झूठे एफिडेविट पे यकीन करें, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ये इन पर सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं, ये नहीं कहते हैं कि ये इतनी बेकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कि झूठ बोलती है सुप्रीम कोर्ट को और एफिडेविट की शक्ल में मिलती है। रक्षा मंत्री को मुंबई से इसकी सफाई देनी पड़ी। आपका भी कुछ और प्राइस है वॉर मशीन का, 500 हमारा कुछ है, उससे कंपेयर करो। आपका भी जो इक्विपमेंट के साथ जो एवियोनिक्स के साथ सो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड अदर थिंग्स के साथ जो है, यू कंपेयर दैट विद माइन, नो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, जानबूझ करके गुमराह करने के लिए मेरा बेसिक एयरक्राफ्ट का प्राइसेस आपका इक्विपमेंट के साथ जो होगा उससे मैं कंपेयर करूंगा। अब रफाल आदेश पर पैरा 25 के मुद्दे को कांग्रेस छोड़ना नहीं चाह रही और सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट के बाद बीजेपी इसमें पढ़ना नहीं चाह रही। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।